हेलो दोस्तों, फिर से स्वागत है आपका और मेरी यूट्यूब चैनल, जहाँ पे मैं आप लोगों के लिए हर रोज़ प्राइवेट एंड गवर्नमेंट जॉब रिलेटेड वीडियो लेके आता रहता हूँ। आज की जो जॉब वैकेंसी आया है फ्लिपकार्ट की तरफ से दोस्तों, यहाँ पे फ्लिपकार्ट ने बहुत सारे पोस्ट जो है यहाँ पे अपलोड कर दिया गया है देयर ऑफिशियल वेबसाइट में, जहाँ पे मैं आप लोगों की डिटेल में बताएंगे किस तरह से आप लोग यहाँ पे एप्लीकेशन कर सकते हो, क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया रहने वाला है एंड किस तरह से आप लोग यहाँ पे फॉर्म फिलअप कर सकते हो। दोस्तों कोई भी कैंडिडेट एप्लीकेशन कर सकते, चाहे वो मेल चाहे वो फीमेल, कोई भी कैंडिडेट यहाँ पे एप्लीकेशन कर सकते हो। वेयर हाउस में काम के लिए जॉब वैकेंसीज निकला हुआ है जिसके लिए आप लोग एप्लीकेशन कर सकते हो। दोस्तों आप लोगों को पूरा डिटेल में बताएंगे, इसीलिए मैं आप लोगों को रिक्वेस्ट कर रहा हूँ पूरा वीडियो देखिएगा। एंड अगर अभी तक सब्सक्राइब ना किया है मेरे इस चैनल को तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए। यहाँ पे आप लोगों को हर रोज इस तरह की जॉब अपडेट मिलता रहेगा। और अगर आप लोगों को और कुछ जानकारी चाहिए आप लोग कमेंट कर सकते हो, मैं उस कमेंट का रिप्लाई जल्द से जल्द देने वाला हूँ। फ्लिपकार्ट के जो ऑफिशियल वेबसाइट है जिसको मैं ओपन कर चुका हूँ, इसका ही लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, जिसके थ्रू आप लोग यहाँ पे एप्लीकेशन कर सकते हो। एंड एप्लीकेशन करने के लिए कोई भी दिक्कत नहीं होगा, अगर आप चाहते हो यहाँ पे डायरेक्टली जो है एप्लीकेशन कर सकते हो। एप्लीकेशन के लिए कोई भी डोनेशन या इंटरव्यू के लिए कोई भी रजिस्ट्रेशन फीस आपको नहीं लगेगा। डायरेक्ट आप लोग फॉर्म फिलअप कीजिए एंड इंटरव्यू देने के बाद आप लोग ये जॉब जो है मिल जाएगा। देखिए अभी चलते हैं क्या वैकेंसी निकला हुआ है। जैसे कि आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे डायरेक्टर के लिए पोस्ट निकला हुआ है जो कि बेंगलोर में है। डायरेक्टर के लिए फिर से एक पोस्ट निकला हुआ है। सीनियर मैनेजर के लिए पोस्ट निकला हुआ है महाराष्ट्र। सॉफ्टवेयर डेवलप के लिए पोस्ट निकला हुआ है। इंजीनियर मैनेजर के लिए पोस्ट निकला हुआ है। तो इस तरह से आप लोग जब देखोगे ऑल ओवर इंडिया में बहुत सारे सिटीज़ के अंदर जो है वेयर हाउस एंड जो फ्लिपकार्ट के हब होता है यहाँ पे जॉब वैकेंसी निकला होता है। तो अगर आप चाहते हो आप कोई भी इंडिया के किसी भी स्टेट या सिटी से आप लोग यहाँ पे एप्लीकेशन कर सकते हो। वेयर हाउस के लिए अगर आप एप्लीकेशन करना चाहते हो तो यहाँ पे वेयर हाउस लिख के सर्च करना होगा, जिसके बाद जितनी भी वेयर हाउस की जॉब वैकेंसी निकला होता है आप लोगों को यहाँ पे मिल जाएगा। अगर आप लोग चाहते हो यहाँ पे देख सकते हो वेयर हाउस के अंदर मैनेजर के पोस्ट निकला हुआ है जो कि हरिणघाटा वेस्ट बंगाल के अंदर। आप लोगों को क्या करना होगा, अगर आप लोगों की इस पोस्ट के लिए एप्लीकेशन करना होगा जल्दी से आपको जो है यहाँ पे एप्लीकेशन करना होगा। एप्लीकेशन के लिए आपको क्या करना होगा, यहाँ पे एक फॉर्म दिया जाएगा जिस फॉर्म को फिलअप करना होगा। तो आपको फॉर्म फिलअप करने के लिए कोई भी एप्लीकेशन फीस नहीं लगेगा, बिल्कुल फ्री में आप लोग कर सकते हो। सिंपली आपको उस मैनेजर की पोस्ट के ऊपर आपको क्लिक कर देना होगा। तो दोस्तों आपको क्या करना होगा, पहले तो आप लोगों को दिखाऊंगा फॉर्म किस तरह से फिलअप करना होगा एंड कहां पे आप लोग कर सकते हो। यहां पे मेल कैंडिडेट ओनली कैन अप्लाई फॉर दिस पोस्ट एंड एज लिमिट जो है यहां पे 18 से 30 ईयर्स तक यहाँ दिया गया है। और सैलरी जो है 7 to 10,000 तक आपको जो है सैलरी आपको दिया जाएगा। तो चलिए फॉर्म किस तरह से फिलअप करना है आप लोगों को दिखा देता हूँ। मैनेजर के ऊपर पोस्ट के क्लिक करने के बाद आप लोग कुछ इस तरह की इंटरफेस आप लोगों के सामने चला आएगा, जहाँ पे आप लोगों को फॉर्म जो है आप लोग यहाँ पे देख पाओगे। यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं 13 वैकेंसीज निकला हुआ है, जिसके अंदर आप लोग MBA एंड ग्रेजुएशन कंप्लीटेड स्टूडेंट एप्लीकेशन कर पाएगा। तो आपको क्या करना होगा, अप्लाई के ऊपर क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पे फॉर्म दिया जाएगा। जैसे कि देख सकते हो यहाँ पे आप लोगों को फॉर्म के ऊपर आपका जो है रिज्यूम आपको जो है यहाँ पे देना होगा, रिज्यूम अपलोड करना होगा, नेम देना होगा। उसके बाद आप लोग देख पाओगे यहाँ पे एक ईमेल आईडी, फ़ोन नंबर देना पड़ेगा, जेंडर सिलेक्ट करना पड़ेगा, करेंट लोकेशन देके आपको सबमिट करना होगा। एंड सबमिट करने के बाद आपका जो फॉर्म है यहाँ पे फिलअप हो जाएगा। उसके बाद आप लोग वहाँ से जाके आप लोग इंटरव्यू दे सकते हैं एंड इंटरव्यू के बाद आप लोग जॉब पा सकते हो। दोस्तों इस तरह से आपको जो है ये काम करना होगा। अगर आप लोगों को पसंद आया ये वीडियो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना मत भूलें। अगर और भी कुछ जानकारी चाहिए आप लोग कमेंट कर सकते हो, मैं उस कमेंट का रिप्लाई जल्द से जल्द देने वाला हूँ। थैंक यू फ्रेंड, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।